कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। खेती कानूनों के विरोध से किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली घेरन की तैयारी विच ने। करीब 50,000 ट्रैक्टर ट्रालियां ना लेके किसानों ने दिल्ली घेरन का प्लान बनाया है, पर किसानों का यह प्लान शायद दिल्ली सरकार पूरा ना होने देने दे मूड च नजर आ रही है। बीते दिन दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिख के राजधानी च दोबारा लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा सी, अते हुण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार मुड़ तो दिल्ली च सख्ताई करन लगी है। भावें कि किसानों की जंग सीधी केंद्र सरकार नाल है, पर किते ना किते किसानों वालों दोष लाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार कोरोना की आड़ च सख्त कानून बना के किसानी संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रही है। उधर हुण केजरीवाल सरकार ने दिल्ली च नवा कानून लागू कर दिता है, जिस विच मास्क ना पाउण वालियां ते भारी जुर्माने ठोकण का ऐलान किया गया। इस दे नाल ही दिल्ली विच ब्याह शादियां ते 50 व्यक्तियों तो ज़्यादा इकट्ठ करन ते पाबंदी ला दी गई है। मैं अभी अभी एलजी साहब के पास गया था मिलने के लिए। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क दे के सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे कि सब लोग मास्क जरूर जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपका सुकून मिल सकता है। दस दिए कि बीते दिन किसान जथेबंदियों की बैठक च किसान आगुआ ने दिल्ली सरकार सने हरियाणा सरकार नू 26 और 27 नवंबर नू किसानां नू ना रोकण दी चेतावनी दिती सी, पर इस दे बावजूद भी इल्जाम लग रहे ने कि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी दा बहाना बना के किसानां नू डक्कण दी कोशिश कर रही है। अजिहे च हुण आउण वाले दिन दिल्ली दी केजरीवाल सरकार दे नाल नाल पंजाब दी आप लीडरशिप ते भी भारू पै सकदे ने। हुण सब दियां निगाहां 26 नवंबर नूं होण वाले किसान धरने ते टिक गईयां ने कि की किसानां दी दिल्ली च एंट्री हुंदी है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।